हेलो फ्रेंड्स, मात्र 2 लाख रुपए देकर के आप ले सकते हैं हुंडई की क्रेटा गाड़ी। जी हाँ, आप 2 लाख रुपए देकर के अपने घर पर ले जा सकते हैं हुंडई की क्रेटा गाड़ी को। पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने पर कितनी ईएमआई आने वाली है, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए और 7 साल के लिए। ये गाड़ी जो है 2 वेरियंट में आती है, पेट्रोल और डीजल के अंदर। इसकी पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है, तो देखते रहिए टेक एनसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें और जो घंटी वाली बटन है इसको दबाना ना भूले, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, हुंडई क्रेटा दिल्ली एक्सोरूम रेट इसकी 9,81,000 रुपये से लेकर 17,30,000 रुपये के बीच में आती है, और ऑन रोड के अंदर इसके अंदर आरटीओ और इंश्योरेंस जुड़ जाता है, इसलिए ये गाड़ी महंगी हो जाती है। इसलिए ये गाड़ी जो है ऑन रोड के अंदर जो है 11,00,000 से लेकर 20,48,000 रुपये के बीच में पड़ती है। पेट्रोल और डीजल 2 वेरिएंट के अंदर आती है। अगर यहाँ पर पेट्रोल इंजन की बात करें तो जो 1497 सीसी का आता है, वहीं पर डीजल इंजन जो है 1493 सीसी का आता है। वहीं पर इसके अगर मैक्सिमम पावर की बात करें तो 113 bhp आती है। वहीं पर मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 250 Nm है, और उसकी बूट स्पेस की बात करें तो 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। 5 सीटर गाड़ी है। अब बात कर लेते हैं अगर ये गाड़ी अगर आप लेते हैं हुंडई क्रेटा ई, जी फ्रेंड्स सबसे लोअर मॉडल की बात करूंगा क्योंकि सभी के लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा, एक आइडिया लेते हैं अपन। जी फ्रेंड्स, इसके एक्सोरूम 9,81,000 रुपये है, 75,000 रुपये इसमें आरटीओ है, 51,000 रुपये जो है इसके अंदर इंश्योरेंस। इस तरह से ये गाड़ी जो है 11,09,000 रुपये की ऑन रोड पड़ जाती है। इसके अंदर अगर अपन 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट दे तो ये गाड़ी का जो लोन अमाउंट होगा वो 9,09,000 रुपये होगा। तो इसके अंदर जो है 5 साल के लिए ईएमआई आ रही है 19,200 रुपये, वहीं पर जो है इसकी 6 साल के लिए आ रही है 16,700 रुपये, 7 साल के लिए आ रही है 14,900 रुपये। वहीं पर अगर इसकी ईएमआई थोड़ी इजी करें, थोड़ी सी कम करने के लिए अपन डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि हमेशा ईएमआई इजी और अच्छी बनाने के लिए हमेशा डाउन पेमेंट थोड़ा सा बढ़ाकर दीजिए। अगर डाउन पेमेंट अपन बढ़ा के देंगे तो अपना लोन अमाउंट कम आएगा, लोन अमाउंट कम आएगा तो इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा, और अपन को जो है ईएमआई भी थोड़ी इजी आएगी, जिसको कि अपन हर महीने जो है इजीली दे पाएंगे। 9.8% से जो है इंटरेस्ट रेट लगती है। तो यहां पर जो है अगर 5 लाख रुपये अपन डाउन पेमेंट दें तो 11,09,000 रुपये की गाड़ी है, 5 लाख रुपये देने जो है आपका लोन अमाउंट रहेगा। यहाँ पे इसकी जो 5 साल की ईएमआई आएगी, 5 साल के लिए आ रही है 12,800 रुपये की। वहीं पर जो है 6 साल की ईएमआई आई है 11,200 रुपये की, और 7 साल के लिए आ रही है सिर्फ 10,000 रुपये की। तो बिल्कुल आसानी से अपन दे पाएंगे, बिल्कुल इजी हो गई है अपनी ईएमआई। इस तरह से लोन अमाउंट कम हो गया है और डाउन पेमेंट अपना थोड़ा सा बढ़ा लिया है। तो अब बड़ी गाड़ी जब भी लेते हैं अपन 10 लाख है उसके ऊपर की, तो डाउन पेमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना ज़्यादा दे सकते हैं उतनी ईएमआई अपनी कम आएगी। तो इस तरह से इस गाड़ी की आपने देखा कि 5 साल 6 साल 7 साल के लिए ईएमआई मैंने दोनों कंडीशन में बताई है आपको, 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने पर, 5 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने पर। इसी तरह से और गाड़ियों की इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलती रहेगी। इसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड।